राघव, उसके यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ग्वालियर किले में गिरने से युवक की मौत हो गई। युवक गुजरी महल से नीचे गिरा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बहोड़ापुर पुलिस मौके पर पहुंची। मरने वाले की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई। मृतक के हाथ में संतोष लिखा है और हाथ में ब्लड के कुछ निशान भी हैं। युवक ने युवक के आत्महत्या करने की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी टेलीफोन से, सिद्ध बाबा मंदिर के पास में कोई लड़का किले से गिरा है। सूचना पे आके देखा जो करीब 25 वर्ष की उम्र का लड़का है और इसके ऊपर से कूजने के निशान मिले हैं। पेड़ की डाली बमूल की टूटी है और इसका कमर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है, फ्रैक्चर उसमें समझ में आ रहा है। हाथ पे संतोष लिखा हुआ है लेकिन अभी उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने स्पॉट को देखा है और अभी रात होने के कारण ज़्यादा घटनास्थल के आसपास सर्च नहीं कर पाया, वो सुबह करेंगे। इधर राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को फल व दूध के पैकेट दिए। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर नगर के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां अपनी उपस्थिति जाहिर की। इधर सिंगरौली शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल व मिठाई दी, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी के साथ साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए आज माननीय हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री